क्या तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ चलेगा कांग्रेस का सोनिया कार्ड? क्या तेलंगाना में मां सोनिया से होगी पिता केसीआर की टक्कर? पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना की चर्चा भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन सूबे में सियासी घमासान अपने चरम पर है। सत्ता की इस लड़ाई में जहां टीआरएस अपने दम पर वापसी के सपने देख रही है, तो वही कांग्रेस भी आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से हाथ मिलाकर हुंकार भर रही है। इतना ही नहीं, तेलंगाना की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने सोनिया कार्ड खेलने का भी प्लान तैयार किया है। दरअसल तेलंगाना के चुनावी समर में खुद को राज्य का असली निर्माता बताने के लिए कांग्रेस और टीआरएस में होड़ मची है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक सोनिया गांधी तेलंगाना की माँ है, तेलंगाना उनकी वजह से राज्य बन पाया है। पूरी दुनिया जानती है कि केसीआर राज्य के निर्माता नहीं है। हम निश्चित तौर पर इस बार सत्ता में आएंगे क्योंकि लोग केसीआर को वोट नहीं देना चाहते। यही वजह है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सोनिया कार्ड खेलने का मन बनाया है। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी को केवल एक रैली को संबोधित करना है। सोनिया की ये एकमात्र रैली तेलंगाना में होगी ताकि राज्य की मांग पूरी करने का दावा किया जा सके। माना जा रहा है कि हैदराबाद के नजदीक मेडचल में होने वाली अपनी रैली में सोनिया केसीआर पर जमकर हमला बोलेंगी। वही केसीआर कांग्रेस के इन दावों को खारिज कर रहे हैं। हालांकि 2014 में सीएम बनने के कुछ हफ्ते बाद केसीआर ने विधानसभा में कहा था कि सभी को याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के निर्माण में पूरा समर्थन दिया, लेकिन जैसे ही पार्टी और सरकार पर उनकी पकड़ मजबूत हुई, टीआरएस ने दूसरों के दावे को खारिज करते हुए कहना शुरू कर दिया कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए दो दशक तक लड़ाई लड़ी, जिस वजह से कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया था, यानी केसीआर ने अकेले राज्य का निर्माण किया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सोनिया गांधी और केसीआर की इस टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।